नमस्कार, मैं संजय कुमार। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते में निकल चुका हूँ। जो प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाऊंगा वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को सिर्फ इमेजेस के थ्रू आप लोगों को दिखाया था, और आज मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बाई रोड आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज होली है, और आज अपने घर में सब लोग बैठे हुए हैं और होली का त्यौहार इंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक बार प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब मैं निकल चुका हूं और अब सीधा जेवर स्मार्ट सिटी के साइट पे ही मैं जाऊंगा, लेकिन वहां जाने से पहले आप लोग बाय रोड चलें। और जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, बीच में ये आ गया है फिल्म सिटी। फिल्म सिटी का बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में फिल्म सिटी है। अभी पेपर पे ही दिखेगा आप लोगों को, अभी यहां पे कुछ है नहीं, केवल खाली लैंड आप लोगों को दिखेगा। बट अप्रैल से भूमि पूजन स्टार्ट होने वाला, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, एग्जैक्टली यही साइट है। अभी फिल्म सिटी बना नहीं है, ऐसे ही खाली अभी लैंड है ये। अप्रैल से भूमि पूजन स्टार्ट हो रहा है, इसका भी हो रहा है, और जेवर एयरपोर्ट का भी काम स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से। तो ये है, और इसी रास्ते हमें उस साइट पर जाना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार ये पूरा बाय रोड आप लोगों को दिखा दूं कि वहां पे कैसे आप लोग जाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा वो भी। ये देखिए, जैसे फिल्म सिटी क्रॉस करेंगे तो आगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों को दिख जाएगा। ये लेफ्ट साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये देखिए, अभी खाली लैंड यहाँ पर ही पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अप्रैल से भूमि पूजन स्टार्ट होने वाला है, अभी सिर्फ ये ऐसा ही आपको दिखेगा। प्रोजेक्ट पास हो चुका है, ये है। बहुत जल्द यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, अब हम सीधा अब चलेंगे अपने साइट पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जेवर स्मार्ट सिटी के नाम से वो प्रोजेक्ट है, और उसका वीडियो मैं आज आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिर्फ इमेजेस के थ्रू आप लोगों को दिखाया था, रोड भी नहीं दिखाया था और ना ही प्रोजेक्ट का कोई वीडियो दिखाया था। आज मैं आप लोगों को बाकायदा उस प्रोजेक्ट का वीडियो दिखा रहा हूँ और बाय रोड भी लेके चल रहा हूँ। तो चलिए एक बार उस साइट को हम विज़िट करते हैं, और उसके बारे में डिटेल्स में आप लोगों को बता दूं। जैसा कि उसका जो डिटेल्स था वो फर्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सारा डिटेल्स मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग उसका पूरा डिटेल्स ले सकते हैं, साइज़ के बारे में या रेट के बारे में आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। वैसे अगर रेट की मैं बात करूँ तो 13,000 रुपया गज के हिसाब से यहाँ पे रेट चल रहा है, और मिनिमम 100 गज से स्टार्ट होता है, और 400-500 जितना भी आपको लेना है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस टाइप का ये प्रोजेक्ट है। चलिए, अभी तो हम बाई रोड अभी निकल ही रहे हैं, वो टप्पल क्रॉस हम करेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे और वो एग्जैक्टली अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। वो जो प्रोजेक्ट है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हम टप्पल क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हम सीधा अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए, हम अलीगढ़ में एंटर कर चुके हैं, और यहीं से टप्पल स्टार्ट हो जाता है। आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे ये कैलाश हॉस्पिटल है, और ये अलीगढ़, ये टप्पल रोड है। ये है वो राइट साइड में कैलाश हॉस्पिटल। और अब ये रूट सीधा आपको लेके जाएगी उस साइड पे। ये टप्पल रोड है। ये देखिए, अलीगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ आपको अलीगढ़ और पलवल रोड, इसको अलीगढ़ और पलवल रोड भी बोलते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद आपको राइट साइड में लेते हैं, तो सीधा आप पलवल की तरफ चले जाएंगे, और आगे आप अलीगढ़।
तो देखिए, मैं पहुंच गया उस प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा, जेवर स्मार्ट सिटी के नाम से मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल भी रखा था, लेकिन इमेजेस के थ्रू आज आप लोगों को बकायदा वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए, गेट इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, ये वो ही प्रोजेक्ट है। अंदर अभी आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ प्लॉटिंग हो रखी है, अभी किसी ने मकान नहीं बनवाया है, आप देख लीजिए। ये वही प्रोजेक्ट है, तो ये वो प्रोजेक्ट है, आप लोगों को आज मैंने दिखा दिया। इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट वीडियो को विजिट करें, उसमें सारा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, सुरक्षित रहें, घर में रहें और सेफ होली खेलें, क्योंकि आज होली है, तो आज अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।